सौभाग्य की बात है कि हमारे महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है। हम लोग हर वर्ष यात्रा को कहां तक पूरा कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी देने का भी प्रयास करते हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी आज जो ये महाविद्यालय है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1961 को 6 विषयों के साथ 12 छात्राओं से प्रारंभ हुआ है। विगत 50 वर्षों तक यह महाविद्यालय निरंतर विकास की ओर अग्रसित है। इस महाविद्यालय में 1996 से ऑटोनॉमस के तहत परीक्षा का संचालन किया जा रहा है और 2010 से स्नातक स्तर पर भी स्वशासी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा संपन्न किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय है जहाँ पर स्नातक स्तर पर आंतरिक परीक्षा पद्धति अपनाया गया है जो कि उनके परीक्षा का एक पार्ट है। उनके अंकों का अंकन उनके अंक सूची में किया जाता है। विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि सत्र 14-15 से पूरे छत्तीसगढ़ में 3 महाविद्यालयों के साथ स्नातक स्तर पर भी सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ किया गया है एवं इस सत्र से अर्थात 15-16 से इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एवं ऑनर्स लागू किया जा रहा है। ये निरंतर इस महाविद्यालय के जो भूतपूर्व प्राचार्य रहे उन्हीं का यह सराहनीय योगदान रहा। यहाँ के जो विभिन्न शिक्षाविद हैं विभिन्न महाविद्यालयों में इस महाविद्यालय में उन्हीं सबका यह योगदान है। मैं इस महाविद्यालय में भूगोल का विभागाध्यक्ष हूँ, प्राध्यापक हूँ एवं स्वशासी प्रकोष्ठ का परीक्षक नियंत्रक हूँ। प्रोफेसर डी डी कश्यप और उल्लेखनीय बात है और वो ये है पूरे छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ है। इसके लिए करोड़ों रुपए का हमको आवंटन मिलेगा। Let me get that.